आखिरकार हम सभी के बीच में तीन बड़ी फिल्मों को तीन संडे गुजर चुके हैं और दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि पृथ्वीराज मूवी, मूवी विक्रम और मूवी मेजर ने अभी तक कितने करोड़ रुपए कमा लिए, फिल्म का बस कैसा बना हुआ है और दोस्तों कौन बन के बैठी है सभी का बाप। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की तरफ। उससे पहले अगर आपने इन तीनों फिल्मों के पब्लिक रिव्यू नहीं देखे तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों फिल्म विक्रम जिसके अंदर आपको पेट भर के एक्शन और दोस्तों कमाल की एक्टिंग देखने के लिए मिलती है कमल हसन, विजय सेतुपति और फराद फाजिल की। दोस्तों इस फिल्म की तारीफ करते हुए ऑडियंस नहीं थक रही और ऑडियंस की तरफ से फिल्म को 4/5 स्टार की रेटिंग देखने के लिए मिली है। जबकि दोस्तों फिल्म का बजट केवल 60 करोड़ रुपए है और काफी टाइम के बाद कमल हसन ने एक बार फिर से मूवी इंडस्ट्री के अंदर अपना कदम रखा है। तो दोस्तों इससे कहना गलत नहीं होगा कि जहां पर तीन शेर एक मैदान में आ जाते हैं तो दोस्तों उस फिल्म को हिट होना तो जाहिर सी बात थी, पर दोस्तों ये फिल्म तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है क्योंकि दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन की ओपनिंग ली 32.5 करोड़ रुपए की। वहीं पर फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाए 28.70 करोड़ रुपए। फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन रहा यानी कि संडे का 31 करोड़ रुपए का और दोस्तों ये फिल्म अपने चौथे दिन यानी कि सोमवार को 14.50 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। और दोस्तों बात करें विक्रम फिल्म के पाँचवें दिन के कलेक्शन की तो दोस्तों मंगलवार को इस फिल्म के कलेक्शन इतने ज़्यादा ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिले और दोस्तों ये फिल्म पाँचवें दिन लगभग 13 करोड़ रुपए कमाते हुए नजर आई, जिसके चलते इस फिल्म का 5 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 122.15 करोड़ रुपए हो चुका है। फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 135 करोड़ रुपए हो चुका है और दोस्तों फिल्म ने ओवरसीज यानी कि विदेशी मार्केट से 28 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 162 करोड़ रुपए हो चुका है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म का बजट जहां पर 60 करोड़ है वहीं पर दोस्तों इस फिल्म को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने का वर्जित मिल चुका है। अब दोस्तों अगर हम बात करें हमारी दूसरी बेहतरीन फिल्म मेजर की, दोस्तों मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और इस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी बताई गई है। यह फिल्म एक बायोपिक है संदीप उन्नी कृष्णन की और दोस्तों उनकी स्टोरी को उन्होंने किस हिसाब से जिया है, कैसे वो अपने भारत माँ के लिए कितने अच्छे अच्छे काम करते थे, वो सभी चीज़ आपको इस मूवी के अंदर देखने के लिए मिलती है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, स्टोरी और दोस्तों जो लाइन्स है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूटी है और दोस्तों इस फिल्म के अंदर प्रकाश राज का जो डायलॉग्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ऐसे में दोस्तों जहाँ पर मेजर मूवी को आप देखने बैठते हैं तो अगर आपकी आंखों से आंसू नहीं टपके तो आप देशभक्त नहीं हो सकते। आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट करा है सासी किरण टिक्का ने और फिल्म को प्रोड्यूस करा है महेश बाबू ने। इस फिल्म को जो हम सबके बीच में बनाया गया है तो फिल्म का बजट 55 करोड़ रुपए रखा गया था और दोस्तों फिल्म को हम सभी के बीच में 3000 स्क्रीन पर रिलीज करा गया है, जिसका दोस्तों फल इस मूवी को देखने के लिए मिल रहा है। इसी के चलते ऑडियंस ने इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद करा है और इस फिल्म को 4/5 स्टार की रेटिंग दी है और फिल्म ने अपने पहले ही दिन काफी शानदार कलेक्शन करा था। जी हाँ दोस्तों फिल्म ने अपने पहले दिन 7 करोड़ रुपए कमाए थे, फिल्म ने अपने दूसरे दिन 7.30 करोड़ रुपए कमाए, फिल्म ने अपने तीसरे यानी कि संडे को 7.65 करोड़ रुपए कमाए और दोस्तों फिल्म ने अपने चौथे दिन 3.21 करोड़ रुपए का कारोबार करा था। पर दोस्तों अगर बात करें फिल्म के पांचवें दिन के कलेक्शन की यानी कि मंगलवार की तो दोस्तों ये फिल्म मंगलवार को कारोबार करते हुए नजर आ रही है 2.50 करोड़ का, यानी कि इस फिल्म का 5 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 27.66 करोड़ रुपए हो चुका है। वैसे दोस्तों अगर आपने फिल्म मेजर को देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी, मुझको तो बहुत अच्छी लगी, कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें राजाओं के राजा महाराजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, दोस्तों ये कितने महान थे और इनकी वीरता कितनी महान थी ये हमको बताने की जरूरत नहीं है और दोस्तों उनकी ही बायोपिक के ऊपर बनाई गई बेहतरीन फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिसको डायरेक्ट करा है चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने। दोस्तों आपको बता दें कि ऑडियंस के जो रिव्यू निकल के आए हैं वो मिक्स टू पॉजिटिव निकल के आए हैं, यानी कि ऑडियंस को फिल्म पसंद भी आई है और नापसंद भी आई है। यही कारण है कि फिल्म को हम सभी के बीच में इतने बड़े स्केल पे बनाने के बावजूद भी यह फिल्म एक काफी बड़ी फ्लॉप साबित हो रही है। जी हाँ आपको बता दें कि फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम लैंग्वेज में रिलीज कराया गया था लगभग 5000 स्क्रीन पे और दोस्तों उसके बाद में यह फिल्म उतना तगड़ा कलेक्शन नहीं कर पाई। आपको बताना चाहेंगे कि पृथ्वीराज चौहान फिल्म ने अपने पहले दिन की ओपनिंग ली 10.70 करोड़ की, फिल्म ने अपने दूसरे दिन कमाए 12.60 करोड़ रुपए, तीसरे दिन कमाए 16.20 करोड़ रुपए, चौथे दिन कमाए 4.60 करोड़ रुपए और पांचवें दिन कमाए लगभग 4 करोड़ रुपए, जिसके चलते दोस्तों यह फिल्म अपने 5 दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन 47.98 करोड़ रुपए का कर चुकी है
और दोस्तों फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 75 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो दोस्तों आपके ओपिनियन क्या है कि पृथ्वीराज मूवी अच्छी है या फिर बुरी, कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यहां पर बाजी मार चुकी है फिल्म विक्रम, क्योंकि इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो सबसे ज्यादा है। वहीं पर दूसरे नंबर पे आती है पृथ्वीराज और तीसरे नंबर पे आती है फिल्म मेजर। पर दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो मेजर हम सबके बीच में दूसरे नंबर पे आना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म ने अपने बजट का आधा रिकवर कर लिया है और पृथ्वीराज ने अपने बजट का आधा भी रिकवर नहीं करा। वैसे आपको इन तीनों में से कौन सी फिल्म अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।